हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरे नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पहुंचे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स के बारे में। और बेसिकली हम आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि आईटी के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो हमने ये जाना था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस को एस्टेब्लिश करें। तो यानी मैनेजमेंट क्या करेगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करेगा और फिर वो एक्सेप्टेबल रिस्क बताएगा। वो ये बताएगा कि ये लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक रिस्क मिटिगेशन नहीं करेंगे, रिस्क मिटिगेशन करेंगे, रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट नहीं करेंगे, यानी कि रिस्क को पूरा ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो रिस्क हम मिटिगेट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में क्या करते हैं, रिस्क मिटिगेट करते हैं, रिस्क एक्सटिंग्विश नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रिस्क खत्म नहीं होता है, जीरो लेवल तक हम रिस्क में नहीं पहुंचेंगे। तो एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कौन डिसाइड करेगा, वो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाएंगे कि मैनेजमेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कैसे करेगा, वो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करेगा और उसके बाद एक्सेप्टेबल रिस्क बताएगा कि हर कैटेगरी में क्या एक्सेप्टेबल रिस्क है, हर एसेट क्लासिफिकेशन में क्या एसेट एक्सेप्टेबल रिस्क है। उसके बाद उस एक्सेप्टेबल रिस्क तक कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि रिस्क मिटिगेशन किया जाएगा, रिस्क को कुछ कम करता जाया जाएगा और उसके लिए कंट्रोल्स लगाए जाएंगे। और कंट्रोल्स ऐसे होंगे कि एक्सेप्टेबल लेवल तक ही रिस्क रहे या उससे नीचे रिस्क रहे, उससे ऊपर रिस्क ना जाए। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, क्योंकि कंट्रोल्स लगाने हैं तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाएगा। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा, एक्सेप्टेबल रिस्क के अनुसार बनाएगा कि एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क रहे। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इंश्योर करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं और वो इफेक्टिव रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रहते हैं। कहीं पर बीच में कुछ मिनट के लिए इंटरनल कंट्रोल्स वीकन हुए और मालूम पड़ा रिस्क मटेरियलाइज हो गया। तो इंटरनल कंट्रोल अगर आपने एक बार लगा दिए वो कंटिन्यूस रहने चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, आईटी की जो बिजनेस जो आईटी की स्ट्रेटजी है और जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उससे अलाइन रहनी चाहिए। मतलब बेसिकली आईटी कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव का काम क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चल सके, यानी कि बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट करें, उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने आईटी क्रिएट किया है। आईटी उन ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली मीट आउट करने के लिए है, उन ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली मीट आउट करने के लिए आईटी। तो आईटी का आईटी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सुपरसीड नहीं करेंगे। यानी कि जब आप ये सारी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बता रहे हैं, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट कर रहा है, वो सारी चीज़ें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करनी चाहिए। उसके अलावा हमारी स्टडी कहती है कि जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बना रहे हैं, एक्सेप्टेबल रिस्क डिसाइड कर रहे हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं और फिर फाइनली कंट्रोल्स लगा रहे हैं, तो कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कब वो कई चीज़ें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो क्या है, वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कंप्यूटिंग फैसिलिटी है वो सिक्योर होनी चाहिए और इतनी सिक्योर होनी चाहिए, कंटिन्यूसली सिक्योर होनी चाहिए ताकि कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन इंश्योर हो। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है, जो बिजनेस चल रहा है, जो धंधा चल रहा है, वो कंटिन्यूटी में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम है, सॉरी आपका बैंक का सेंट्रलाइज डेटाबेस है, सेंट्रलाइज डेटाबेस कंटिन्यूस ऑपरेशन में रहना चाहिए, तभी बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी। अगर वो सेंट्रलाइज डेटाबेस अगर बंद हो गया, SBI का बंद हो गया, तो पूरे इंडिया के ATMs बंद हो जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। कोर बैंकिंग सेंट्रलाइज बैंकिंग है आज की डेट में, एफिशिएंसी लाने के लिए वो सेंट्रलाइज बैंकिंग, और उसके अलावा चारा नहीं है, क्योंकि सारे बैंक सेंट्रलाइज बैंकिंग में, एक बैंक अगर ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है तो दूसरे बैंक को उसके कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, तो सेंट्रलाइज बैंकिंग है हर जगह, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस है। तो बेसिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस अगर बंद हो गया, घंटे भर के लिए बंद हो गया, तो मालूम पड़ा पूरा बैंकिंग ऑपरेशन पैरालाइज हो जाएगा और वो
किसी भी बैंक के लिए सही नहीं होगा। तो कंप्यूटिंग फैसिलिटी सिक्योर होनी चाहिए और क्या कहते हैं ये इंश्योर करना चाहिए कि वो वहाँ कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन रहेगा। दूसरी चीज़, जब हम ये सब चीज़ प्लान कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एस्टेब्लिश रिस्क कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, तो हमें ये देखना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, यानी इन्फॉर्मेशन केवल ऑथराइज यूज़र को अवेलेबल रहे, सीक्रेसी और सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मेंटेन होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरनल ऑडिट करते हैं तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि एसेट को हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है, उस समय क्या कहते हैं एसेट को सेफगार्ड करना है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करना है, और तीसरी चीज़ हम क्या बोलते हैं तीसरी चीज़ ये बोलते हैं इंटरनल ऑडिट के टाइम पर कि जो भी एसेट है उसको हमें इफेक्टिवली यूज़ करें, कॉस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ करें। यहाँ पर क्या है कि आईएएस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आईएएस में जब आप कंट्रोल्स लगा रहे हैं तो वही कंट्रोल्स एक्सटेंड होकर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा था कि आईएएस ऑसेट एसेट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसेट है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए एक नई टाइप की ऑडिटिंग, स्पेशलाइज्ड ऑडिटिंग क्रिएट कर दी गई है जिसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हमने बोला इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्मेशन के पीछे होता है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उनके पीछे होता है हार्डवेयर, और उसके पीछे होता है कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ कंप्यूटिंग रिसोर्स या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इफेक्टिवली हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एसेट है और ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंप्यूटिंग जो इंफॉर्मेशन या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि वही इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं। उसके अलावा कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी भी आपको देखनी पड़ेगी, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी, यानी कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी है डेटा की कि नहीं, डेटा जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ कंप्लीट एक्यूरेट और वैलिड आएगा, तीन चीज़ें आएंगी मैंने बोला, तो कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ डेटा होनी चाहिए वहाँ पर। उसके अलावा कंप्यूटिंग रिसोर्स इफेक्टिवली यूज़ होना चाहिए, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटिंग फैसिलिटी सिक्योर होनी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं एसेट को सेफगार्ड करना, इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है एसेट्स को सेफगार्ड करना, यानी कि एक मोटे तौर पर बोले बिजनेसमैन की तरफ बोलो धंधे को सेफगार्ड करना, धंधे के एसेट को सेफगार्ड करना। एक लाला बैठा होता है, लाला जी बैठे होते हैं, वो क्या कहते हैं सबसे पहले हमारे एसेट्स सेफगार्ड रहें, वो ये कहते हैं कि सारे उनका दो एम होता है कि कोई चोरी ना हो, एसेट सेफगार्ड रहे, पूंजी सेफगार्ड रहे, एसेट सेफगार्ड रहे, और फिर प्रॉफिट हो और इन्हीं एसेट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, यही मोटे तौर पर कहा जाता है अगर देसी भाषा में कहा जाए, और यही इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव होते हैं, और यही आपके आईएएस कंट्रोल और आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का एसेट है पैदा हो गया अचानक, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन या डेटा हो गया, और उसके पीछे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाने पड़े, और उसको मैनेज करने के लिए हमें हार्डवेयर रखना पड़ा है, क्योंकि हार्डवेयर में ही ये सारी चीज़ें रहेंगी, और उसको में हार्डवेयर या कंप्यूटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसको मैनेज करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एसी वगैरह ये सारे वहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स वगैरह लगे होने चाहिए। तो ये आईएएस एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, और ये एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एसेट्स की वजह से हुआ है। तो बेसिकली आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करेंगे, एक्सेप्टेबल रिस्क बनाएंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएंगे? क्योंकि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जब बनाएंगे तभी तो कंट्रोल्स लगाएंगे। तो अगले टॉपिक में हमारी स्टडी यही बता रही है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारी स्टडी कहती है कि कंट्रोल्स किस लिए होते हैं? रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क एस्टिंग्विशमेंट के लिए नहीं होते हैं। कंट्रोल्स का मतलब ये नहीं है कि रिस्क जीरो हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल का मतलब ये है, ये नहीं है कि रिस्क एस्टिंग्विश हो जाएगा, कंट्रोल्स का मतलब है रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, कहाँ तक मिटिगेट होगा? एक्सेप्टेबल लेवल तक, जो मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल लेवल डिसाइड करेगा वहाँ तक रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। कंट्रोल की कोई कॉस्ट होती है और उसके बेनिफिट भी होते हैं, तो क्योंकि कंट्रोल की कॉस्ट जो है एक लेवल तक तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो इसीलिए एक्सेप्टेबल लेवल तक आप रिस्क को ले जाते हो, क्योंकि उसके बाद एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा आप कंट्रोल्स लगाने लगोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब कंट्रोल्स इन मनी के टर्म्स में भी होते हैं, टाइम के टर्म्स में भी होते हैं, टाइम बेसिकली इज़ मनी, तो कंट्रोल्स टाइम के टर्म्स में या मनी के टर्म्स दोनों में होते हैं।
और बेनिफिट्स क्या होते हैं कंट्रोल्स के, कि रिस्क रिडक्शन हो सकता है या ऑपरेशन एफिशिएंट हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर कंट्रोल्स लगा रहे हो तो कई बार क्या होता है कि केवल रिस्क का रिडक्शन होता है, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बैलेंस करना पड़ेगा कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स, कंट्रोल्स के कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। और इसको इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंट्रोल आप सेक ऑफ, नॉट मेयरली सेक ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंट करें, मतलब कंट्रोल फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल ना करें, लेकिन उसका स्पेसिफिक पर्पज़ हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल का, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंट्रोल, जो ऑब्जेक्टिव होगा कंट्रोल का उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि क्या ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हम कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका क्या पर्पज़ है। तो यानी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पर्पज़ ऑफ कंट्रोल, क्यों हम कंट्रोल को लगा रहे हैं। अब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को हमारी स्टडी ने डिफाइन किया है, उसने ये बोला है कि एक स्टेटमेंट है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कि ये डिज़ायर्ड रिजल्ट है, ये पर्पज़ हैं जो हम हमें अचीव करने हैं। मतलब हम कंट्रोल लगा के, कंट्रोल प्रोसीजर्स लगा के एक पर्टिकुलर आईटी एक्टिविटी या आईटी प्रोसेस में कंट्रोल प्रोसीजर प्रैक्टिसेस वगैरह लगाएंगे, तो वहाँ पर क्या है कि कोई एक डिज़ायर्ड रिजल्ट आना चाहिए या कोई पर्पज़ अचीव होना चाहिए, और उसी का स्टेटमेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल हुआ। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आइडेंटिफाई और डॉक्यूमेंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिटर को क्लैरिटी रहे कि भाई कहाँ कहाँ उस पर, सबसे पहले आप रिस्क वगैरह डिफाइन करेंगे, एक्सेप्टेबल रिस्क डिफाइन करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उसको डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, तो कोई भी ऑडिटर जाएगा उसको समझ में आ जाएगा क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ में आ जाएगा अगली बार ऑडिट करने में, अगले ऑडिटर कोई दूसरा ऑडिटर या कोई मैनेजमेंट में बंदा छोड़ के चला गया, दूसरा सीनियर मैनेजमेंट में कोई दूसरा एम्प्लॉय आया, तो वो इन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली समझ लेगा, रिस्क को ईजिली समझ लेगा। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बेसिकली दो पर्पस सर्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, पॉलिसीज लेट डाउन करने में हेल्प करते हैं कि मतलब मैनेजमेंट की क्या आईटी पॉलिसी होगी, तो वही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव या जनरल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बोले तो जनरल पॉलिसीज लेट डाउन में लेट डाउन करने में हेल्प करते हैं। और बेंचमार्क क्रिएट करते हैं, और बेंचमार्क से क्रिएट करने से हमें ये पता चलता है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो रहे हैं कि नहीं मीट आउट हो रहे हैं। तो हमारी स्टडी कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बताती है और कई कंट्रोल्स को वो कई तरीके से क्लासिफाई करती है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव के अनुसार कंट्रोल को क्लासिफाई करती है। कंट्रोल किस तरह से डिज़ाइन होंगे या इम्प्लीमेंट होंगे इस वो उस तरीके से क्लासिफाई करती है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स वो हैं कि वो गलती होने से पहले आप प्रिवेंट करते हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि जी कोई डेटा है उसको हमें सिक्योर करना है, तो उन्होंने कहा गलत आदमी के हाथ में पड़ना ही नहीं चाहिए, अनऑथराइज्ड आदमी के हाथ में पड़ना ही नहीं चाहिए, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया कि जिसको ऑथराइज नहीं हो उसको डेटा आना ही मिलना ही नहीं चाहिए। वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है, प्रिवेंटिव कंट्रोल सबसे अच्छे कंट्रोल्स होते हैं। यानी कि आप गिर जाओ उसके बाद चोट लगे उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ तो उससे बढ़िया है गिरने ही नहीं देते आपको, पर 100% नहीं होते, आदमी कहीं ना कहीं गिर ही जाता है। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि एरर को प्रिवेंट करते हैं, ओमिशंस को प्रिवेंट करते हैं और मलिशियस एक्ट को प्रिवेंट करते हैं। मतलब मलिशियस एक्ट होने से पहले को प्रिवेंशन, एरर को प्रिवेंशन, ओमिशन को प्रिवेंट करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था कि एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगा हुआ है और वो केवल ऑथराइज पर्सनल को सेंसिटिव फाइल या सेंसिटिव प्रोसेसिंग ऑप्शंस एक्सेस करने दे रहा है, अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस ही नहीं करने दे रहा है, तो वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हो गए। डिटेक्टिव कंट्रोल्स डिटेक्ट करते हैं, करने में हेल्प करते हैं, एरर ओमिशन मलिशियस एक्ट अगर कोई भी हो गया तो उसकी अकरेंस को रिपोर्ट करते हैं। अगर एक्सेस लॉग वायलेशन हुआ, अगर कोई लॉग्स क्रिएट करते हैं हर एक्टिविटी के, उसमें वायलेशन हो जाता है, अगर कोई वो लॉग ये देखता है कि कुछ वायलेशन हो गया तो वो ये बता देता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके साथ कॉन्फिगर्ड, तो ये बता देता है पर्टिकुलर व्यक्ति को कि ये चीज़ें हो गई, लॉग्स में लिख दिया जाता है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं।
लेकिन डिटेक्टिव कंट्रोल कब डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जब आपने उसमें कुछ सिम्टम्स डाले हुए हैं। जरूरी नहीं डिजास्टर हो जाए, कहीं आपने कहा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश हो रही है तो मुझे बता देना, तो वो डिटेक्टिव कंट्रोल्स हो जाएंगे, क्योंकि वही उनका एक लॉग बनेगा और आपको पैटर्न डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, डिटेक्टिव कंट्रोल्स मलिशियस एक्ट के बाद पता चलता है। डिटेक्टिव कंट्रोल्स मलिशियस एक्ट जो हो चुका है उसको डिटरमाइन करते हैं, तो यानी कि मलिशियस एक्ट हो चुका होता है। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करता है, तो उसमें नुकसान नहीं होता है। डिटेक्टिव कंट्रोल में नुकसान होने के बाद डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद करेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल करेक्ट करते हैं एरर ओमिशन मलिशियस एक्ट। एक बार जैसे आपने डिटेक्टिव कंट्रोल ने डिटेक्ट कर दिया तो करेक्टिव कंट्रोल्स उसे करेक्ट करेंगे। तो यानी कि करेक्टिव कंट्रोल्स डिजास्टर के बाद होते हैं या मलिशियस एक्ट के बाद होते हैं। अगर मान लिया सपोज एक वायरस आ गया आपका, इमिडिएटली डिटेक्ट हुआ और मलिशियस कोड या स्क्रिप्ट को उसके बाद डिलीट कर दिया गया, इससे पहले वो डैमेज करे उसे डिलीट कर दिया गया, तो वो करेक्टिव कंट्रोल्स हैं। करेक्टिव कंट्रोल्स लॉस को मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं, लॉस को एक्सटिंग्विश नहीं करते, ख़त्म नहीं करते, करने में हेल्प नहीं करते, लॉस को मिटिगेट करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई थ्रेट है किसी एसेट में तो वो थ्रेट को समझने के बाद उस थ्रेट को कम करने की कोशिश करते हैं, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि कंट्रोल्स तीन टाइप के कंट्रोल्स हो सकते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल सबसे बेस्ट कंट्रोल्स होते हैं, अगर प्रिवेंट कर ली जाए कोई चीज़ को तो सबसे बेस्ट होता है, वहाँ पर कोई नुकसान ही नहीं होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स इसलिए बेस्ट होते हैं। डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स बाद में आते हैं। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन कंट्रोल्स का है कि नेचर ऑफ कंट्रोल्स के हिसाब से, नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज के हिसाब से, जैसे इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स है, आईएएस ऑपरेशनल कंट्रोल्स है, आईएएस मैनेजमेंट कंट्रोल्स है, एसडीएलसी कंट्रोल्स है। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपका डेटा है, डेटा के पीछे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये सब एक हार्डवेयर में रखे जाते हैं। हार्डवेयर जो होता है या इन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में रखे जाते हैं, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट प्रोसेसिंग फैसिलिटी में रखा जाता है। तो जो आईपीएफ होती, जो आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो होती है, उस फैसिलिटी में पावर होती है, एयर कंडीशनर होती है, यूपीएस होता है, स्मोक डिटेक्शन होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, डीह्यूमिडिफायर्स होते हैं, तो ये सारा एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंटल कंट्रोल्स होते हैं बेसिकली। और एनवायरनमेंटल कंट्रोल्स क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये एनवायरनमेंटल कंट्रोल डिग्रेड हो गए, पावर खत्म हो गई, तो हार्डवेयर काम करना बंद हो जाएगा, हार्डवेयर काम करना बंद हो गया तो सॉफ्टवेयर काम करना बंद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर काम करना बंद हो जाएगा तो डेटा हमें अवेलेबल नहीं होगा, अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। एयर कंडीशनर अगर बंद हो गया तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में गर्मी हो जाएगी तो जो सर्वर को कूलिंग चाहिए, या आप लैपटॉप को कभी अपने लैप में लगा के बैठ जाइए, गर्म हो और लैब में बैठ जाइए तो नीचे गर्मी आनी शुरू हो जाती है। उतनी गर्मी नहीं होती है लेकिन फिर भी आनी स्टार्ट हो जाती है, मोबाइल गर्म होने लगता है अगर सीपीयू ज़्यादा समय, ज़्यादा ऐप्स उसमें डाउनलोड कर दें, तो वहाँ पर एयर कंडीशनर चाहिए होते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका सर्किट बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर वो शॉर्ट सर्किट हो गया है या कहीं एसी वगैरह वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर हार्डवेयर काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डेटा है और जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। डेटा से ही तो आप इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कंट्रोल मैकेनिज्म ख़त्म हो जाएगा आपका, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो एयर कंडीशनर, यूपीएस, स्मोक डिटेक्शन, अगर स्मोक आ रही, आग आनी शुरू हुई, मालूम पड़ा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी जला दी उसने, तो स्मोक डिटेक्शन होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, डी ह्यूमिडिफायर होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी आ गई आपके किसी सिस्टम में वो काम करना बंद कर जाएगा। सिलिकॉन में अगर ह्यूमिडिटी, आपके चिप्स हैं जो मेमोरी सर्किट्स ये वो हैं, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं आनी चाहिए, डी ह्यूमिडिफायर्स होनी चाहिए ताकि एफिशिएंटली काम करें, तभी तो डेटा सही रहेगा। जो डेटा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो सही तरीके से प्रोसेसिंग होगी, सही तरीके से रहेगा। अगर इन आईएएस
इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसिंग फैसिलिटी सही है। फिर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल सिक्योरिटी देते हैं। ये टेंजिबल आईएस रिसोर्सेज को सिक्योरिटी देते हैं, या डेटा या जो इनटेंजिबल रिसोर्सेज हैं वो टेंजिबल मीडिया में हों, क्योंकि जो टेंजिबल रिसोर्सेज हैं जैसे आपके डेटा है वो टेंजिबल रिसोर्स है। टेंजिबल रिसोर्स कहाँ पर स्टोर होता है, इंटेंजिबल रिसोर्स कहाँ पर होता है, इंटेंजिबल रिसोर्स है डेटा या इंफॉर्मेशन, वो टेंजिबल मीडिया में होता है। तो ऐसे कंट्रोल्स जो हैं जो टेंजिबल मीडिया या टेंजिबल रिसोर्सेज हैं उसे सिक्योर करते हैं, हार्डवेयर को सिक्योर करते हैं। तो इसमें क्या है, एक्सेस कंट्रोल डोर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, डोर अलार्म हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी सिक्योर एरिया के, वैसे एरिया में से वहाँ लिखा रहता है कि ओनली फॉर ऑथराइज्ड पर्सनल, और केवल ऑथराइज्ड पर्सनल ही जा सकते हैं। लॉक्ड एक्सेस होगी, वीडियो मॉनिटरिंग होगी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आ गया। इसके बाद लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होते हैं, लॉजिकली आप सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली के लिए क्या चाहिए होता है आपको, पासवर्ड्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो आप क्या करते हैं, इंक्रिप्शन लगा देते हैं या पासवर्ड्स लगा देते हैं, लॉजिकल कंट्रोल लगा देते हैं। तो लॉजिकल एक्सेस इंफॉर्मेशन रिसोर्स की अगर आपको करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स लगा देते हैं, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाउंड्री कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बाउंड्री पर कंट्रोल्स लगा देते हैं, ताकि कोई आदमी बिना विदाउट पासवर्ड्स के बिना पासवर्ड्स वगैरह के बिना सॉफ्टवेयर के अंदर ना घुस जाए, कवर कैसे ना घुस जाए, लॉजिकली ना घुस जाए। नेटवर्क कंट्रोल होते हैं, एक्सेस टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कंट्रोल्स होते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाने पड़ते हैं, ऑथराइजेशन अथॉरिटी होती है तभी आप कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद भी जब ऑथराइजेशन होता है तब आपको उन रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है। इनक्रिप्शन कंट्रोल्स लगा देते हैं, तो ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं जिनके बारे में हमने डिटेल वे में पढ़ा। इसके बाद आईएस ऑपरेशन कंट्रोल्स होते हैं। आईएस ऑपरेशन कंट्रोल्स में क्या होता है कि आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होती है, हेल्प डेस्क ऑपरेशन होती है। तो जो रोजमर्रा के कंट्रोल्स हैं, मतलब वो आईएस ऑपरेशन कंट्रोल्स में आते हैं। आईएस मैनेजमेंट कंट्रोल्स होते हैं जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप आईएस ऑपरेशन की, स्टीयरिंग कमेटी बैठी है, वो आईएस मैनेजमेंट कंट्रोल है। आईएस में स्टीयरिंग कमेटी बैठी है तो वो कंट्रोल्स को ड्राइव करेगी, वो देखिए कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट कंट्रोल्स में आ जाएंगी। इसके बाद एसडीएलसी कंट्रोल्स होते हैं, अगर आप नया सिस्टम बना रहे हो तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंट्रोल्स होते हैं, हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा था। ये कंट्रोल्स प्लानिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन चेंज मैनेजमेंट हो रहा है अगर किसी सॉफ्ट एप्लीकेशन या दूसरे सॉफ्टवेयर में हो रहा है तो ये कंट्रोल्स लगा दिए जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम क्या कहते हैं नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज की तरह देखें, अगर मान लिया सपोज अगर हम तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, आईएस ऑपरेशनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, एसडीएलसी कंट्रोल्स होते हैं। और जहां पर अगर मान लिया सपोज कि कंट्रोल्स कैसे डिजाइंड हैं उस टर्म्स में देखें तो प्रिवेंटिव डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। उसके अलावा कंट्रोल्स को दूसरे तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, फंक्शनल नेचर के अनुसार भी डिवाइड किया जा सकता है। एक वेल डिज़ाइन कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट कंट्रोल्स होनी चाहिए, मेजर फंक्शंस के लिए इनबिल्ट कंट्रोल होनी चाहिए, ऑडिटर को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए इन कंट्रोल्स को। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कंपोनेंट जो यहाँ पर होते हैं वो ये होते हैं, वो होते हैं इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ये तीन टाइप के कंट्रोल्स हैं जो फंक्शनल नेचर के अनुसार डिवाइड किए जाते हैं, यानी फंक्शन के अनुसार। फंक्शनल कैसा फंक्शन है, अकाउंटिंग एक फंक्शन है, ऑपरेशन एक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है। तो उसी तरीके से इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं, ऑपरेशन कंट्रोल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। तो जो अकाउंटिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं कि एसेट को सेफगार्ड करना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी क्रिएट करनी है, टैली शैली ये वो के कंट्रोल इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं। इसके बाद ऑपरेशनल कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स डे टू डे ऑपरेशंस फंक्शंस और एक्टिविटीज़ में जो कंट्रोल्स होंगे, मतलब ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मिल रहे हैं, बिजनेस रूल्स को अडहेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऑपरेशनल कंट्रोल्स हो गए। इसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल्स होते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल्स बेसिकली ऑपरेशनल कंट्रोल्स
की ही तरह होते हैं किसी भी फंक्शनल एरिया में वहाँ पर। लेकिन क्या है, मैनेजमेंट की पॉलिसी और प्रोसीजर्स को अडहेयर करना होता है। एक पर्टिकुलर पॉलिसी, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक्सेस कार्ड आपने लगा दिया, अब बंदा अंदर आ रहा है तो उस एक्सेस कार्ड में अपनी फिंगर प्रिंटिंग लगा के आएगा, तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं वो आपके ऑपरेशनल कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं, उनकी एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंश्योर करते हैं। तो यानी कि अगर हम कैटेगरी ऑफ कंट्रोल देखें, वो फंक्शनल नेचर में होता है, इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल होता है, ऑपरेशन कंट्रोल्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होता है, ये कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स हैं। और इसी इन्हीं कंट्रोल्स को हमें सबसे पहले कंट्रोल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है और फिर ये कंट्रोल्स लगाने हैं। तो इसे समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है, ऑडिटर का काम है रिव्यू देना या ओपिनियन देना, मैनेजमेंट का काम है कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बनाना, रिस्क मैनेज करना, रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बनाना, ये सारा मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना और इंटरनल कंट्रोल को लगाना, ये सारा मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर का कोई काम नहीं है, ऑडिटर का काम है देखना और ओपिनियन देखना। क्योंकि अगर ऑडिटर काम करने लगेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑडिटर कहेगा ये मैंने काम किया, ये गलत हो ही नहीं सकता, जबकि गलती उस काम में होगी। ह्यूमन बीइंग गलती करेगा और उसको उसके लिए एक दूसरा ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है सुपरवाइज करने के लिए। आप उसे कितना ही समझा दोगे, मशीन नहीं है ह्यूमन बीइंग, और मशीन इसीलिए चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं ताकि रिलायबिलिटी आए। ह्यूमन बीइंग अनरिलायबल है, एक रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी आप ह्यूमन बीइंग पर रख सकते हो। तो जितने भी लोअर टास्क हैं, वो रिपीटेटिव बोरिंग टास्क, जो स्ट्रक्चर्ड टास्क हैं, वो सब ऑटोमेट किए जा रहे हैं और धीरे धीरे ये ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से ये डेटा पैदा हुआ है और इसी वजह से इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पैदा हुआ है, क्योंकि इस डेटा को मैनेज करना है। ये डेटा और सेंसर जो हैं अब इकोनॉमिक सिस्टम्स को कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो होगा वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बनाएगा, फिर वो एक्सेप्टेबल रिस्क बताएगा। रिस्क जीरो नहीं हो सकता, एक्सेप्टेबल लेवल तक ले जाना है। रिस्क मिटिगेट करना है, रिस्क एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता। उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाएगा, क्योंकि उन्हीं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से वो रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर रखेगा या उससे नीचे रखेगा। और फिर उसके बाद क्या है कि उसको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए उसको कंट्रोल समझने पड़ेंगे। कई टाइप के कंट्रोल्स हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी ऑफ कंट्रोल है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव कंट्रोल डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट करते हैं, करेक्टिव कंट्रोल डिटेक्शन के बाद उसे करेक्ट करते हैं। उसके बाद नेचर वाइज रिसोर्स के लिए इन्वायरमेंटल कंट्रोल होंगे। इन्वायरमेंटल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएएस फैसिलिटी सही तरीके से काम करे, हार्डवेयर सही तरीके से काम करे, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स मशीन सही तरीके से काम करें, तो कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो है उसका एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, सही टेम्परेचर होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब होनी चाहिए, चोरी के लिए भी सारा इंतज़ाम होना चाहिए। फिर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, आईएएस ऑपरेशन कंट्रोल, आईएएस मैनेजमेंट कंट्रोल, और अगर सिस्टम बन रहा है तो एसडीएलसी कंट्रोल्स। फंक्शनल नेचर के अनुसार क्या है, इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल है। अकाउंटिंग एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन की सारे पैसे के रिलेटेड ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसे कैप्चर करता है। तो अकाउंटिंग कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, क्योंकि पैसा ही जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो एस्पेक्ट होते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मॉनिटरी एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग देखता है जनरली, और भी डेटा और जगह और ऑर्गेनाइजेशन से भी निकलता है, जैसे अगर हम एचआर से निकलता है और जगह से निकलता है, लेकिन अकाउंटिंग कंट्रोल्स मेजर अकाउंटिंग और मॉनिटरी चीज़ों को देखता है। उसके बाद ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। इसके बाद हमारी स्टडी जो है मिटिगेटिंग आईएएस रिस्क थ्रू आईएएस रिस्क मैनेजमेंट कहती है। अगला टॉपिक जो है हमारा मिटिगेटिंग आईएएस रिस्क थ्रू आईएएस रिस्क मैनेजमेंट। तो यानी वो ये कह रही है इन्फॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हम रिस्क को मिटिगेट करेंगे। वो रिस्क के रिडक्शन की बात नहीं कर रही, वो ये कह नहीं रिस्क के रिडक्शन की बात कर रही है, और वो ये नहीं कह रही रिस्क को ख़त्म करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट के बारे में बात नहीं कर रही है, रिस्क रिडक्शन या रिस्क मिटिगेशन की बात कर रही है। यानी कि वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आईएएस रिस्क को लेकर आएगी। ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।